तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर लेसन, जो कि शिवलाल की बुक के अनुसार यूनिट 3 चैप्टर 8 से है। इसके बारे में पहले कुछ खास बातें बता दूँ आपको कि ये चैप्टर बहुत इजी होता है, आपको अच्छे
परसेंट लिखना होगा, इसका और कोई यूज़ नहीं है। तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना होगा, जिस तरह से उस समय हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो अब हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। लमसम वाला है, लेकिन हमने यहाँ डिबेंचर होल्डर क्यों नहीं यूज़ किया, फिर से रिपीट कर दूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन था कि एप्लीकेशन पर सारा पैसा रिसीव हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर किस्त नहीं दिया होता, एप्लीकेशन मेंशन नहीं होता, तो हम यहाँ डिबेंचर होल्डर लिखते, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के अनुसार काम करें। यदि किस्त मेंशन नहीं है तो डिबेंचर होल्डर लिखिए, अगर एप्लीकेशन पर मिला है ऐसा लिखा हुआ है, ऑन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तब डिबेंचर एप्लीकेशन लिखें। हम इसको इंटू करेंगे तो 270,000 रुपये आ जाएगा, दोनों तरफ सेम अमाउंट इंटू करोगे। नरेशन क्या हो गया, बीइंग डिबेंचर मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इन लमसम, मतलब एक मुस्त राशि डिबेंचर पर रिसीव हुई। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्या करते हैं, शेयर के टाइम जैसा करते थे, इस क्रेडिट वाले अकाउंट को ही हमने यहाँ डेबिट किया है, सेम टू सेम पूरा समझ लीजिए, यहाँ से इतना उठकर डेबिट में आ गया, अमाउंट भी वही, नंबर ऑफ डिबेंचर भी वही और वैल्यू भी वही, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट पूरा यहाँ आ गया, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सेम अमाउंट। इससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन के सामने जो अमाउंट रहेगी सेकेंड एंट्री में भी वही उसके सामने आएगा। और दूसरा एंट्री जो होगा, आप याद रखें कि डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, उसकी एंट्री हमेशा अलॉटमेंट के साथ होती है, लेकिन जब एकमुश्त वाला क्वेश्चन हो तो यहाँ तो अलॉटमेंट है ही नहीं, तब डिस्काउंट या प्रीमियम की एंट्री हमेशा सेकेंड वाली एंट्री में होता है, बैंक वाले के साथ नहीं होता। कर सकते हैं लेकिन वो उसका अलग मेथड होता है, वो फिर वैकल्पिक वाले ऑप्शनल वो कुछ एंट्रीज होती हैं। तो फिलहाल तो आप ये जाने कि बैंक के साथ आप डिस्काउंट की एंट्री ना करें, आप डिस्काउंट की एंट्री किसके साथ करोगे, सेकेंड एंट्री में। अगर अलॉटमेंट होता तब तो अलॉटमेंट के साथ करते, यहाँ अलॉटमेंट है ही नहीं, सारा तो एक ही साथ मिल गया एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन ड्यू करते टाइम या कहें कि एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करते समय डिस्काउंट की एंट्री होगी। और हम पिछले शेयर वाले लेसन में हम सीख चुके हैं कि अगर डिस्काउंट होता है तो क्योंकि डिस्काउंट एक लॉस है तो उसे डेबिट किया जाता है, और अगर प्रीमियम हो तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो क्रेडिट था उसे डेबिट कर दिए, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 270, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इस तरह से एंट्री की जाती है डिस्काउंट की। आप सिर्फ डिस्काउंट लिख करना छोड़ दें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, हम पहले शेयर लिखते थे अब डिबेंचर हो गया। वैल्यू कितनी हो गई तो ये मैं आपको इंटू करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये अमाउंट जो एप्लीकेशन का अमाउंट था वो कितना था, 15,000 अंश थे और 18 रुपए के हिसाब से रिसीव हुआ था, ठीक है। और डिस्काउंट कितना था, तो डिस्काउंट भी 15,000 थे और 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट था, क्वेश्चन में गिवन था। तो 15,000 और 2 रुपए का गुना करोगे तो 30,000 आ ही जाएगा। यहाँ एक साथ क्या आ जाएगा, 15,000 गुना 18 और 2 20, टोटल वैल्यू है ना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए ना, तो 18 और 2 20 होता है, तो ये 20 रुपये हो गए। डिबेंचर की वैल्यू तो आखिर 20 ही थी, उसमें से आपको पता है जैसे वहाँ बोलता था कि शेयर कैपिटल के सामने उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखिए, ना उसमें से डिस्काउंट माइनस करिए और ना ही उसमें प्रीमियम जोड़िए। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लागू हो रहा है, जहाँ भी आप डिबेंचर अकाउंट लिखोगे वहाँ उसकी रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ 20 आ गया, इसको गुना करोगे तो 3 लाख आ जाएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि जैसे वहाँ हर अमाउंट, चाहे एप्लीकेशन का हो, अलॉटमेंट का हो, या फर्स्ट कॉल का हो, सेकंड कॉल का हो, उसे आप ट्रांसफ़र कहाँ पर करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो डिबेंचर वाले क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना कि अमाउंट हमेशा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू डिबेंचर अकाउंट, ऐसा याद रखिए आप। तो जहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे हम वहाँ लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट, और ये 6% तो उसके साथ कैरी हमेशा होगा। नरेशन क्या हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 6% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डिस्काउंट भी है ना, तो यहाँ आप एक और चीज़ मेंशन कर दें, एट 2 रुपीस डिस्काउंट पर डिबेंचर, ठीक है। तो हमने डिस्काउंट भी इसमें मेंशन कर दिया। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसके और वीडियो सभी फिलहाल नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि बिल्कुल शेयर की तरह है, जहां जहां हमने शेयर लिखा था आप वहां डिबेंचर लिख लीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है, जैसे कि लमसम वाले क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट किस्त वाले क्वेश्चन,
और बाकी तो जो थोड़े से टफ हो सकते थे वो क्वेश्चंस हट गए हैं। तो फिर भी अगर आपको किसी विशेष क्वेश्चन में जो कि नहीं हटा है बोर्ड के द्वारा और उसमें आपको दिक्कत आ रही हो, चाहे वो प्रीमियम से रिलेटेड हो या बर्थडे से डिस्काउंट से रिलेटेड हो, तो आप मुझे बताएं तो मैं उसके वीडियो लाऊंगा। अदरवाइज़ हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे।